और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला कंप्यूटर जी। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। अब तो आप जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था पहले। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल जी सुनिए, बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं। आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए, यह आप स्वाति जी से सीखिए। पर जब से मैंने अध्यक्षा पद से रिजाइन करा है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उतारू हो गई है कि किसी भी तरीके से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाए। 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को 1 रुपया भी फंड दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया। हमारा ये भाई साहब जो चश्मा वाले भाई साहब है ना, ये संविधान की दुहाई दे रहे भी, बार बार संविधान। आपने देखे जो लोकसभा से लोकतंत्र की मंदिर चलता, हमारा भारत की देश चलता है, उस लोकतंत्र में ओबेसी जाकर बोलता है जय फिलिस्तीन बोलते हैं। मैं पूछना चाहते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता था, विपक्ष के जितने भी नेता थे भाजपा के अलावा, कोई सब विरोध नहीं किया? क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था उस टाइम? कोई संविधान खतरे में नहीं था? जो संविधान को दुहाई, कितने बार विरोध किया उसके? एक बार विरोध नहीं किया। आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाकर के भारत के नारा लगा के बता दो, किसी इसमें संसद में जाकर के मैं आप गुलामी कर दूं, तो आज जो यहाँ पे संविधान करे, वो अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान है, मैडम शॉट खोल के अन्ना हजारे के सामने पेट पीट रहा था, मैं कटोरे में चम्मच ले जाकर पानी पिलाया था अरविंद केजरीवाल को, आज जो हमारे को पानी देने से मना कर रहा है दिल्ली के अंदर में, आज आम चूस के शुगर बढ़ाने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल। जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल सनातनी डिबेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो क्लिप्स अत्यधिक रोमांचित होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर शहीदों पर राजनीति करते हुए मोदी को घेरने की कोशिश की, बताया कि उन्हें सेना ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, लेकिन शहीद सैनिकों के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें 98 लाख का मुआवजा सेना द्वारा दिया गया है। राहुल गांधी देश को गुमराह करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कोई भी बयान दे देते हैं। इनसे भी बड़ा झूठा केजरीवाल है, इतना साफ झूठ बोलकर भी खुद को ईमानदार साबित करने में लगा रहता है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। उससे पहले हमारे सभी भाई बंधुओं को जय महाकाल। सभी बंधु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट में जय जय महाकाल अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। मैं हमजा मसूद ईश्वर की अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ कुछ करके अक्षुण रखूंगा, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। आपकी मजबूरी है 0.0.0.1। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। चलो गाड़ी स्टार्ट कर, शहरों में भीख मांगो। Ha 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 ha!
आप आज यहाँ कर्फ में खड़े हैं। डर मुझे भी लगा देखकर, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। ये भगवान क्या जुलूम है। बहुत बदमाश था जब छोटा था, बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं। नंगा करके सबके सामने मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। 5 मिनट इसके साथ बैठ जाओ, दिल की धड़कन तेज कर देगा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। आपके हिसाब से मोदी सरकार ने काम बढ़िया नहीं किया आपके साथ? फेल है, बिल्कुल फेल है। पहले जो जाते थे प्रधानमंत्री तो पीछे रहते थे, आज जो जाते हैं आंख नजर से नजर मिला करके हमारा प्रधानमंत्री बात करता है। जो विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देश को मिला है मोदी के रूप में। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता है, अमेरिका चाइना और रसिया को पीछे छोड़कर, वो भी 1-5% की वोटिंग से नहीं, 78% की वोटिंग के साथ में, ठीक है, अगर वो सबसे कमजोर है तो भाई साहब फिर मनमोहन सिंह जी क्या थे। 240 मोदी जी को इस बार मिला है, वो कमजोर है। 209 यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी को मिला है। तो आप बताइए कैसे होते हैं मोदी जी, कैसे कमजोर पड़ रहे हैं? मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता। मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। पहले भी अदानी जी को बेचने की कोशिश हुई थी। तेलंगाना की महिलाएं कोने कोने में मादर चोद साला मेरा घर छीन लिया। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया। अच्छा। चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे मनोरंजन से भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही अपना खूब ख्याल रखें तथा देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। जय जय श्री राम।